हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने देश में कोरोना वायरस किस प्रकार से फैल रहा है, इस सभी चीजों का विस्तार से हम डिफाइन करने वाले हैं। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं जो आपके शरीर में धीरे धीरे दिखने लगते हैं, कोरोना वायरस का इलाज मिला है या फिर नहीं मिला है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिफाइन करने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लेना। सो कोरोना वायरस कुछ इस प्रकार का वायरस हमें देखने को मिल रहा है कि जितना ये खतरनाक नहीं है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हम इसे बना रहे हैं। इंडिया में तो कुछ खासकर हमें देखने को मिल रहा है कि कोरोना वायरस के यहाँ पे बारे में काफी ज्यादा अफवाहें उड़ रही हैं। तो ये अफवाहें हमें नहीं उड़ानी है दोस्तों, कोरोना वायरस से जबकि हमें आराम से निपटना है। अगर हम चीजों को आसानी से लेंगे तो चीजें हमारे समझ में आएंगी, लेकिन हम लोग चीजों को आसानी से नहीं ले रहे हैं। हम कोरोना वायरस को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके अपनी जनता को पेश कर रहे हैं। सो इसी के लिए आप सबको एक मुहिम आपको मैं बता देता हूँ। आप सबको अपने जितने भी लोगों को बताना है, आपके आसपास के लोगों को कोरोना वायरस के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी पता है तब बतानी है। ऐसे फालतू के रूमर्स आप सबको नहीं फैलाने हैं, बिकॉज अभी देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग कोरोना वायरस के में बता रहे कि उसका इलाज मिल गया है, उसका ये हो जाएगा, उसका वो हो जाएगा। किसी के अगर कोरोना वायरस हो जाएगा तो उसको चाइना भेज दिया जाएगा, हमारे देश से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसी अफवाहें फैल रही हैं जिसमें आप सबको कुछ खास जानकारी नहीं भी है, लेकिन आप सब उसमें बीच में अपनी टांग लड़ा रहे हो। लेकिन आप सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो यही चीज आपकी पूरे इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कोरोना वायरस के इंडिया में कितने केसेस हो चुके हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आज की लेटेस्ट अपडेट में इंडिया में टोटल 62 केसेस हो चुके हैं। अभी कल की बात है कि जयपुर में कल दो केस पकड़े गए थे, दो लोगों के यहाँ पे केस आ रहे हैं हमारे सामने कोरोना वायरस के, जिनके हाल ही में कल कोरोना वायरस जांचा गया है। और कल की सुबह की मैं बात बता दूं, कल सुबह केरल में एक 3 साल की बच्ची के कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे, और जब उसकी जांच की गई तो उसके कोरोना वायरस निकला था। तो यहाँ पे ये नहीं है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके ही कोरोना वायरस हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हर प्रकार के लोगों में कोरोना वायरस हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सी अफवाहें उड़ रही थी कि जिनकी इम्यूनिटी कम है उनके कोरोना वायरस काफी ज्यादा हो रहा है। सो यहाँ पे उम्र की बात बिल्कुल नहीं आती है, यहाँ पे जब आपके 3 साल की बच्ची की बात आ जाती है तो उसकी इम्यूनिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी, उसके भी कोरोना वायरस हुआ जा रहा है। यहाँ पे 27 साल के जयपुर के एक लोग थे, उनके कोरोना वायरस हो गया, और यहाँ पे 62 एज की एक महिला थी, उनके कोरोना वायरस हो गया। सो यहाँ पे हमारे इम्यूनिटी की बात दूर से आती है। कोरोना वायरस एक इस प्रकार का वायरस है जो हमारे शरीर में, चाहे वो हवा के जरिए हो, चाहे हमारे हाथ मिलाने के जरिए हो, चाहे कुछ भी हो, उसके जरिए फैल रहा है। सो इसी के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अब आप हाथ मिलाना छोड़िए और नमस्ते करके आप सब लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको अपनानी पड़ेंगी। कोरोना वायरस एक इस प्रकार का वायरस है जो हमें हाथ मिलाने से और काफी ज्यादा चीजें लोगों के पास खड़े होने से, लोगों से बातें करने से या फिर किसी भीड़ में खड़े होने से फैलता है। अगर मान लो 100 लोगों की भीड़ आपके सामने खड़ी हुई है और उसमें अगर एक के कोरोना वायरस है तो अगले दिन सभी लोगों के कोरोना वायरस हो जाएगा। सो अभी आप लोगों को क्या करना है कि भीड़ से बचना है, काफी ज्यादा पब्लिक इलाकों पर नहीं टहलना है, ठीक है, और ज्यादा मास्क वास्क लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके होना होगा तो ऐसे भी हो जाएगा, मास्क का हवा आप लोगों को नहीं बनाना है, बिकॉज मास्क की बड़े से बड़ा डॉक्टर यहाँ पे मास्क नहीं लगा रहा। बस चीजों को आपको आसानी से लेना है। मान लो आपको दिन में हाथ धुलना पसंद नहीं है, लेकिन इस समय आपको दिन में कम से कम 24 घंटे में, आपको रात को छोड़ करके दिन में जितनी देर आप जगते हो उतनी दिन में कम से कम 10-12 बार 13 बार आपके हाथ ऐसे ऐसे करके पानी से, सैनिटाइजर से आपको हाथ जरूर धुलते रहने, आपके अपने मुंह को आपका साफ रखना है, क्लियर रखना है। और एक चीज बता दूं कि कोरोना वायरस आपका जैसे कि कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि आपके कभी कभी खूब तेज बुखार चढ़ाएगा, आपका शरीर दर्द करने लगेगा, फिर आराम से बुखार उतर जाएगा। सो ये सब सिम्टम्स है, जैसे ही आपके सिम्टम्स नजर आ जाए तो एक बार डॉक्टर का आप सलाह जरूर ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश इंडिया में यही देखने को मिल रहा है कि जिसके भी कोरोना वायरस हो रहा है वो चीजों को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। सो यही लिए मोदी जी ने एक कॉलर ट्यून लगाई होगी आप सबके मोबाइल फोन पे,
कि कोरोना वायरस को बढ़ा चढ़ा करके पेश ना किया जाए। ये कुछ इतनी बड़ी चीज नहीं है अभी जो हमारे इंडिया में पेश की जा रही है, अभी इसको थामा जा सकता है। अब बहुत लोग ऐसे सोच रहे थे कि यहाँ पे इतने सारे केसेस आ रहे हैं तो इनका इलाज कैसे किया जा रहा है, जबकि वैज्ञानिकों की तरफ से यह भी कहा गया कि कोरोना वायरस का एंटीटोड अभी नहीं बनाया गया है। सो आप सबको ये चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के कल की और आज की रिपोर्ट को मिला करके टोटल इंडिया में 62 पॉजिटिव केसेस हो चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों का इलाज भी किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे उनका इलाज कैसे किया गया, अभी तो कोरोना वायरस का एंटीटोड भी नहीं आया हुआ है। सो अभी वीडियो में क्लियर करूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको एक चाइना की रिपोर्ट बता देता हूँ। चाइना की अभी कल की रिपोर्ट आई है कि पिछले 7 दिनों में चाइना में कोई भी कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति नहीं पाया गया। ये काफी ज्यादा अच्छे संकेत है चाइना के लिए। और लेकिन यहाँ पे चाइना के लिए अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं कि पिछले 7-8 दिनों में किसी के भी कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। लेकिन बात करते चाइना को छोड़ करके किसी अन्य देशों में, तो ये कोरोना वायरस अब चाइना छोड़ करके अन्य देशों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। सो इसी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले हमारे इंडिया पर इसने अपना अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इंडिया में लगातार एक ना एक दिन कोई ना कोई केस बनता चला आ रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। सो आप सबको करना क्या है, आप सबको बस दिन में अपना हाथ सही से धुलना है 10-12 बार 13 बार, जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार। और आपको गर्म पानी, जी हाँ दोस्तों, गर्म पानी अपने गले में काफी ज्यादा बार गरारा करना है, जिसमें आप गरारा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका गला गर्म रहेगा तो कोरोना वायरस का नामो निशान आपके सामने नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो 35 डिग्री के तापमान पे खत्म हो जाता है। और अभी आप जानते हो कि हमारे देश में गर्मी आ रही है, लेकिन अभी आई नहीं है। अभी आपका आज का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। ये तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, ये 30 क्रॉस करेगा, ये 32 क्रॉस करेगा, ये 33 क्रॉस करेगा, जैसे 35 क्रॉस करेगा वैसे ही कोरोना वायरस हमारे पूरे वर्ल्ड में खत्म होता दिखने लगेगा। एक टेस्ट में बताया था कि कोरोना वायरस कम से कम 35.36 डिग्री का तापमान सह सकता है, बस इसके बाद इसके पास उसकी क्षमता नहीं है कि इससे ज्यादा तापमान वो सह पाएगा। सो बस यही था डेट अपडेट आपके लिए कि आप सबको इतना ज्यादा परेशान नहीं होना है, चीजों को काफी ज्यादा आराम से आने देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो आपके अगर थोड़ी बहुत सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, बुखार खूब तेज आ रहा है, शरीर दर्द कर रहा है, तो एक बार डॉक्टर की सलाह आप सबको जरूर लेनी है, लेकिन चीजों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की जरूरत नहीं है, कोई मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान रखो, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, हाथ धुलते रहना, मुंह धुलते रहना आराम से, हाथ पैर धुलते रहना, और ज्यादातर कोशिश करना कि गर्म पानी का सेवन करना। जितना ज्यादा शरीर गर्म रखोगे उतना ज्यादा कोरोना वायरस आप सबसे दूर रहने वाला है। ये चीज बात नोट कर लेना, कोरोना वायरस गर्म चीज से दूर भागता है। चाहे आपका शरीर पूरा गर्म रहे, चाहे आप गर्म एसी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको अपना शरीर गर्म रखना है, किसी भी प्रकार से आपको गर्म रखना है। बस इतनी चीजें आप मान लो कि आपको अपना शरीर और अपना गला गर्म रखना है, चाहे आप पानी में गर्म पानी पीते हो, चाहे कुछ भी। और यहाँ पे कुछ चीजें अवॉइड करनी है, बाहर का आप कुछ खास हो सकते हो, लेकिन अभी ठंडी चीजें शुरू मत कर देना। बहुत लोगों की आदत होती है कि अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी, चलो आइसक्रीम खाते हैं, चलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो गला किसी भी प्रकार से ठंडा नहीं रखना, बिकॉज कोरोना वायरस ठंडी को काफी ज्यादा पसंद करता है, क्योंकि ये वायरस दिसंबर से काफी ज्यादा तेज फैला था, और दिसंबर में कैसी ठंड होती है तो आप सब लोग जानते हो। सो इतनी सारी बातें करने के बाद मैंने आपको पूरा वीडियो में समझा दिया कि आपको क्या सारे काम करने हैं। ज्यादा डरना नहीं है, हेल्पलाइन नंबर आप सबके सामने, किसी को भी कोई समस्या लगती है तो हेल्पलाइन नंबर पे फोन कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सबका प्रॉपर इलाज किया जाएगा। सो अब बात करते हैं कि कोरोना वायरस का यहाँ पे किस प्रकार से इलाज किया जा रहा है। सो आप सबको मैं बता दूं कि कोरोना वायरस का ऐसे इलाज किया जाता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के हो जाता है, जिसको लगता है कि मेरे अब हो गया है, जैसे कि उसके सिम्टम्स होते हैं, जब वो सिम्टम्स किसी को नजर आते हैं तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है। तो जब हॉस्पिटल में जाता है तो उसकी स्टेज फर्स्ट होती है। मान लो आपके नया नया कोरोना वायरस हुआ होता है, तो नया नया कोरोना वायरस जिसके भी हुआ होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जिसके बहुत समय से कोरोना वायरस है, 20 दिन 25 दिन 30 दिन 1 महीना से ज्यादा, तो उनको कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और उसका इलाज अभी तक नहीं मिल पाया है। आपके अगर नया नया कोरोना वायरस हुआ है, जैसे कल हुआ है, परसों हुआ है, तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे नया नया का इलाज के अलावा आपका एक महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, इससे पुराना कोरोना वायरस का इलाज अभी तक ना चाइना ढूंढ पाया है, ना कोई भी ऐसा देश
देश ढूंढ पाया है। बस सारी एजेंसियां उसी चीज के पीछे लगी हैं कि जिसके बहुत समय से कोरोना वायरस है उसका इलाज किस प्रकार से किया जाए, और वही लोग मर रहे हैं उन्हीं लोगों की जान जा रही है जिन लोगों के बहुत समय से कोरोना वायरस था और उनको पता नहीं चल पाया था, और जिनको पता चल जाता है कि मेरे ऐसे लक्षण हैं, मेरे कोरोना वायरस हो सकता है, सो उनका इलाज तुरंत कराया जा रहा है और वो लोग बचे भी जा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट में हमें देखने को मिला था। सो यहाँ पे आप सबको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से चीजें आप सबके सामने पेश करी जा रही है। सो बिल्कुल भी चीजों को एकदम फैला के नहीं आप सबको लेना है, एकदम चीजों को आराम से लेना है और जितनी चीजें बताई उतनी चीजें फॉलो करनी है। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक मार देना और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों से, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको आपके मोबाइल फोन में मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब के कहीं मत जाना। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।